न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की टनाटन जीत के पीछे नए कप्तान और नए कोच का अहम किरदार रहा। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा ने जयपुर, रांची और कोलकाता में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। क्या है ये रिकॉर्ड्स, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। रोहित शर्मा ने कोलकाता मैच में 50 रन पूरे करते ही T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित अब तक 30 मैचों में 50 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनसे पहले ये कारनामा विराट कोहली के नाम था। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 29 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। कोलकाता T20 में रोहित ने 56 रनों की पारी में 3 छक्के लगाए, के साथ ही वो T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 150 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा 165 छक्के न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल के नाम है। T20 सीरीज में रनों का अंबार लगाने वाले हिटमैन ने मैच जीतने के बाद बताया कि क्यों उन्हें मैच विनर खिलाड़ी कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं रोहित ने क्या कहा। जब भी मैं बल्लेबाजी करता हूं तो मेरा ध्यान अच्छी शुरुआत दिलाने पर होता है। एक बार पिच की कंडीशन जानने पर, सिचुएशन को समझने के बाद आप जानते हो कि एक बल्लेबाज के तौर पर आपको क्या करने की जरूरत है। इसके अलावा रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल मैचों में रनों के मामले में विराट कोहली से महज 30 रन पीछे हैं। रोहित शर्मा के T20 इंटरनेशनल मैचों में 3,197 रन है, जबकि विराट के नाम 3,227 रन है। रोहित जिस रफ्तार से रनों की रेस में आगे बढ़ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वो T20 इंटरनेशनल में जल्द न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ेंगे। बतौर फुल टाइम कप्तान ये रोहित शर्मा के लिए पहली T20 सीरीज जीत थी, लेकिन खास बात यह है कि अब रोहित शर्मा मैदान में आपको सीधा साउथ अफ्रीका में ही नजर आएंगे। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा ने आराम लिया है, लेकिन उम्मीद यही है कि भारत के बाद अब साउथ अफ्रीका में भी रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया जीत हासिल करे। क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।